हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, ये मेरी डिस्प्ले बुक है A4 साइज़ की। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा अपने A4 साइज़ के कुछ स्केचेज़। सो गाइस, इसमें मेरे सारे स्केचेज़ नहीं हैं, पर जितने मेरे इस डिस्प्ले बुक में हैं वो आपको दिखाऊंगा, और मैंने कैसे ड्रॉ किए हैं, कौन सा मटेरियल यूज़ किया है, कौन सा पेपर, वो दिखाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट है ये पेंटिंग। सो गाइस, ये मैं जस्ट प्रैक्टिस वर्क है, मैंने फर्स्ट टाइम ड्रॉ की थी पेंटिंग कैमल के वाटर कलर से, बिना किसी रेफरेंस से। सो गाइस, ये भी मैंने उसके बाद ड्रॉ की थी। सो गाइस, ये बहुत अच्छी ड्रॉ हो पाई थी, ये मैंने रेफरेंस फ़ोटो लेके ड्रॉ की थी। सो गाइस, ये कैमल के वाटर कलर हैं और ब्रूस्टर के पेपर ऊपर ड्रॉ की थी। सो गाइस, ये जो ट्रीज़ हैं इसके लीफ मैंने ईयरबड से ड्रॉ किए थे। सो गाइस, जो ये वाली जोकर की ड्राइंग है, ये सारी मैंने ऑयल पेंसिल से ड्रॉ की है, और जो बैकग्राउंड वो ग्रेफाइट है, और बाकी सारा ऑयल पेंसिल, और मैंने ब्लेंड करने के लिए ईयरबड का यूज़ किया है इसमें। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इफेक्ट आया इसमें। ये भी ब्रूस्टर के पेपर ऊपर है। सो गाइस, ये चीप पेपर है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। सो गाइस, ये मैं ऑयल पेंसिल वर्क में बिना किसी रेफरेंस से, ये भी प्रैक्टिस वर्क है, और ये मैंने ड्रॉ किया था, ये हेयर चारकोल पेंसिल से ड्रॉ किए हैं, बाकी सारा ग्रेफाइट है, ये भी चीप पेपर के ऊपर है। सो गाइस, ये मैंने रॉक की ड्रॉ किया था विद फर्स्ट टाइम हैचिंग टेक्निक यूज़ की थी, पर ये इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाया था, ये भी चीप पेपर के ऊपर है। मैंने जितने भी सारे स्केचेज ड्रॉ किए हैं सब में आर्ट लाइन पेंसिल्स का यूज़ किया है। ये मैंने प्रैक्टिस वर्क बनाया था। सो गाइस, ये मैंने हल्के ड्रॉ किया था, ये भी ब्रूस्टर पेपर के ऊपर है। सो गाइस, इसमें मैंने मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया था पूरी ड्राइंग में, विद 2B लेड, सिंपल मैकेनिकल पेंसिल का। सो गाइस, ये बैटमैन का, ये सारा पोर्शन चारकोल से ड्रॉ किया है, कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल, और ये पोर्शन ग्रेफाइट पेंसिल से आर्ट लाइन की। सो गाइस, ये भी ब्रूस्टर पेपर के ऊपर है, 250 GSM, ये चीप पेपर के ऊपर है, ऑयल पेंसिल भी बिना किसी रेफरेंस के है। सो ये देख सकते हैं, और बहुत अच्छा ड्रॉ हो पाया था ये भी, और ये मैंने जो स्टार्स बनाए थे वो जेली पेन से। सो वैसे ये जो बर्ड का है, ये भी बहुत अच्छा ड्रॉ पाया था, ये डोम्स की पेंसिल कलर यूज़ किया था इसमें मैं। सो वाइज, पर इसका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं ड्रॉ पाया था, क्योंकि अच्छे से ब्लेंड नहीं होते वो। सो वैसे ये मैंने नेमार्जुन की बनाई थी, हेयर मैंने चारकोल से बनाए थे कैमलिन के। सो गाइस, ये रणवीर सिंह की, ये भी बहुत अच्छे ड्रॉ हो पाई थी, ये भी ब्रूस्टर पेपर के ऊपर है। सो गाइस, हेयर बहुत अच्छे ड्रॉ हो पाए थे इसमें। सो गाइस, ये अलू अर्जुन की, ये मैंने फर्स्ट टाइम पेंसिल कलर से पोर्ट्रेट ड्रॉ किया था। सो गाइस, देख सकते हैं कि कैसा इफेक्ट आ रहा है, डोम्स की पेंसिल कलर यूज़ किए थे मैंने। सो गाइस, ये मारियो का, ये आइवरी पेपर के ऊपर है, ये मारियो आइवरी पेपर के ऊपर। सो गाइस, ये ब्रूस्टर पेपर के ऊपर है, पेन से ड्रॉ किया था सिंपल बॉल पेन से। सो गाइस, ये भी मेरा फेवरेट पोर्ट्रेट है, बहुत अच्छा ड्रॉ पाया था ये। सो गाइस, ये तो मेरा बेस्ट पोर्ट्रेट है, क्योंकि ये मैंने पेंटिंग कलर फर्स्ट टाइम पोर्ट्रेट ड्रॉ किया था कैमल के वाटर कलर से, फर्स्ट टाइम मैंने बहुत पेशेंस से ड्रॉ किया था ये। सो गाइस, बहुत अच्छा इफेक्ट आया था इसमें, ब्रूस्टर के पेपर के ऊपर है ये। सो गाइस, ये भी जस्ट प्रैक्टिस वर्क है, ये मैंने ब्लैक शीट के ऊपर बनाया था वाइट जेली रोल पेन से। सो गाइस, ये भी मैंने ब्रूस्टर पेपर के ऊपर और सिंपल बॉल पेन से ड्रॉ किया था। सो गाइस, इसकी रेफरेंस बहुत अच्छी लगी थी मुझे फ़ोटो की। सो गाइस, बहुत अच्छे से ड्रॉप होया ये। सो गाइस, ये वेजिटा का, ये भी मैंने ब्रूस्टर पेपर के ऊपर और ये डोम्स के पेन से कलर यूज़ किए थे। सो गाइस, बहुत जो इसके हेयर हैं बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ हो पाए थे, और ये पोर्शन है जो। सो
वाइज ये मेरा उसके बाद में पोर्ट्रेट बनाया था सेकंड पोर्ट्रेट पेंटिंग से वाटर कलर से। सो गाइस ये भी बहुत अच्छा ड्रॉ पाया था। सो गाइस ये दोनों ये ब्रूस्टर पेपर के ऊपर है कैट वाला। सो गाइस सारा ग्रेफाइट वर्क है, सारा ग्रेफाइट है। इसमें आईज में चारकोल है जो ब्लैक ब्लैक है, बाकी येलो कलर है डोम्स का। सो गाइस ये तो फेवरेट है मेरा ग्रेफाइट में। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा था और ये आईवर पेपर के ऊपर है। इसको 15 आवर्स लग गए थे। सो गाइस इसमें डिटेलिंग बहुत ज़्यादा थी और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक ड्रॉ हो गया था, देख सकते हैं आप। सो ये मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस से बनाया था। पेंटिंग है वाटर कलर से बनाई थी कैमल की। और ये हैरी पॉटर का, ये डोम्स की पेंसिल कलर से ब्रोशर पेपर के ऊपर। सो ये भी बहुत अच्छा ड्रॉ पाया था। जो इसके टी शर्ट है वो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। हेयर बहुत अच्छे ड्रॉ पाए थे। वैसे ऑलमोस्ट मेरे सारे स्केचेस ब्रूस्टर पेपर के ऊपर ही हैं। जो मेरे पहले वाले पोर्ट्रेट हैं वो जो ची पेपर के ऊपर, मैं इसमें डिस्प्ले बुक में नहीं वो लगाए इतने। सो गाइस ये भी ब्रूस्टर पेपर के ऊपर है, बी आर अम्बेडकर का। सो गाइस ये मैंने फर्स्ट टाइम ब्रश पेन यूज़ किए थे, पर फेस में थोड़ा ज़्यादा हो गया था, पर फिर भी ये पोर्ट्रेट मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा बना था, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे ब्रश पेंस कैमलिन के। उसको फेस में थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया था ये। सो गाइस ये ऑयल पेस्टल यूज़ किए थे और ये वाइट जाली रोल पेन से जो लाइट दिखाने के लिए लाइट इरेज वाइट जाली रोल पेन यूज़ किया था। सो गाइस ये तो बहुत ही अच्छा ड्रॉप आया था, इस बहुत ज़्यादा इफेक्ट अच्छा आ रहा है इसमें, रियलिस्टिक इफेक्ट। सो गाइस इसको बनाने में मुझे 4 आवर एंड 30 मिनट्स लगे थे। सो गाइस ये ब्रूस्टर पेपर के ऊपर है और हाईलाइट्स के लिए मैं इसमें जेली रोल पेंस का यूज़ किया था, और डिटेलिंग के लिए मैकेनिकल पेंसिल का। सो गाइस बहुत ही अच्छा ड्रॉप आया था ये। सो गाइस ये मैंने रिसेंटली ड्रॉ किया है ये दोनों आर्टवर्क्स। सो गाइस ये यश का KGF 2 से, इसमें हेयर में चारकोल पेंसिल्स कैमलिन की, और बीएड में बाकी और आईज में बाकी सारा ग्रेफाइट है। सो गाइस बस इतने ही मेरे आर्टवर्क से। जो मेरे बाकी के ये 4 साइज के आर्टवर्क हैं जो मैंने पहले ड्रॉ किए हैं वो इसमें मैंने नहीं लगाए। सो गाइस पर जो आईज वाला है मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सो गाइस ये मैं रिसेंटली वर्क में ड्रॉ कर रहा हूँ ये अभी। सो गाइस इसको अभी तक बनाने में 7 आवर 30 मिनट्स लग गए हैं। सो गाइस बहुत ज़्यादा डिटेलिंग वर्क है ये। सो गाइस ये अभी ब्रूस्टर पेपर के ऊपर है। सो गाइस अगर आप मेरे पुराने आर्टवर्क्स दिखाना चाहते हो A4 साइज के, और या फिर प्रैक्टिस वर्क्स, या फिर मेरी A3 साइज की डिस्प्ले को देखना चाहते हो, सो गाइस मुझे कमेंट कर सकते हो। सो गाइस आपने देखा मेरे सारे आर्टवर्क्स मैंने चीप मटेरियल्स यूज़ किए हैं, कोई एक्सपेंसिव मटेरियल्स यूज़ नहीं किए। सो गाइस आप भी इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो प्रैक्टिस से। सो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई, अगर आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।